नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राट की संकल्पना के बारे में। जियो मॉर्फोलॉजी की श्रृंखला के अंतर्गत हम बात कर रहे थे आइसोस्टेसी के बारे में, भू संतुलन सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे, और उस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आइसोस्टेसी के अंतर्गत ही हम बात करेंगे प्राट की संकल्पना। इससे पहले मैंने एरी का सिद्धांत बताया था, उसके बाद आज हम प्राट की बात करेंगे। दरअसल एरी प्राट की संकल्पना मैंने बताई थी, एरी ने बताया था कि एरी प्राट की संकल्पना बेसिक अंतर की बात करेंगे तो जो प्राट बताते हैं वो घनत्व में अंतर एवं गहराई समान थी, और जो एरी बताते हैं वो घनत्व समान था और गहराई में अंतर था, यही दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं क्या है संकल्पना, उसके बारे में बात करेंगे। आइसोस्टेसी की हम बात कर ही रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर लें कि आखिर इसकी जो आइसोस्टेसी शब्द था इसका जिक्र किया था सबसे पहले डट्टन ने 1889 में, और इसकी आखिर डिफिनेशन क्या है उसके बारे में। हालांकि इससे पहले मैंने बता चुका हूँ मैं आपको कि पृथ्वी पर देखें तो हमें आपको देखने को मिलता है कि पर्वत हैं, पहाड़ हैं, और नदी है, झील, झरने हैं, पठार है, और इन सबको देखें तो घूर्णन करते हुए पृथ्वी पर आखिर ये सब कैसे संतुलित अवस्था में है उसी के बारे में हम देखेंगे। उसी को हम संतुलन की स्थिति कहते हैं, भू संतुलन कहते हैं, अर्थात परिभ्रमण करते हुए पृथ्वी के ऊपर स्थित स्थलों एवं पृथ्वी के ऊपर स्थित स्थल, मतलब कि जैसे कोई पर्वत है, पठार है, और गहराई में स्थित स्थल जैसे कोई समुंदर वगैरह ये हो गए, उनमें भौतिक तथा यांत्रिक स्थिरता को ही भू संतुलन कहते हैं। मतलब उनके बीच में जो स्थिरता हमें देखने को मिलती है उसी को भू संतुलन कहते हैं। ये स्थिरता किस वजह से है उसके बारे में देखेंगे, उसके ऊपर कई सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क दिए हैं और उनके बारे में बताएंगे। तो उसके इसमें दो मुख्य रूप से आते हैं, एक एरी का और प्राट का। एरी का पिछली वीडियो में मैंने चर्चा कर दिया था, इस वीडियो में प्राट की बात करेंगे। तो अवधारणा का विकास मैंने सबसे पहले इससे पहले वीडियो में बताया था कि पीरे बैगवर नाम के एक वैज्ञानिक थे जो एंडीज पर स्थित चिम्बाराजो नाम का जो इक्वेडोर में ज्वालामुखी है उस पर अध्ययन कर रहे थे। उसमें उन्होंने देखा कि उन्होंने उसका सर्वेक्षण किया 1735 से 45 के बीच में, उन्होंने देखा कि जो प्लून लाइन थी उसको एंडीज अपनी तरफ आकर्षित ज़्यादा नहीं कर पा रही थी। तो प्लून लाइन क्या होता है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, लेकिन आइए उसके बारे में और देखते हैं, फिर हम अभी उसका हम जिक्र करेंगे। तो प्लून लाइन जो थी या साहुल रेखा कहते हैं, वो एंडीज अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रहा था, क्योंकि एक एंडीज तो बहुत बड़ा पर्वत है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहिए था क्योंकि काफ़ी बड़ा पर्वत है और कह सकते हैं उसका द्रव्यमान ज़्यादा, तो उसको अपनी तरफ आकर्षित कर, क्योंकि अब जान रहे कोई भी पिंड जो होता है बड़ा पिंड उसको अपनी तरफ वो आकर्षित करता है, तो उसी तरीके से आकर्षित करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। तो आगे चल करके इसको लेकर के जब बात हुई तो 1859 में जॉर्ज एवरेस्ट जो थे वो इसके ऊपर अध्ययन कर रहे थे, माउंट एवरेस्ट को लेकर के वहाँ पर अक्षांशों के निर्धारण को लेकर के बात कही जा रही थी। तो उसमें उन्होंने अपना बात कही कि ये आखिर ऐसा कैसे है। इसमें इन्होंने बताया कि जो प्लून लाइन का कल्याण की बात करेंगे तो करीब हिमालय से करीब 60 किलोमीटर दक्षिण में कल्याण पड़ता है, वहाँ पर इन्होंने प्लून लाइन में देखा तो उसमें हमें डिफरेंस देखने को मिला कि 5.23 जो इंच का उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आखिर इतना डिफरेंस कैसे आया उसकी हम बात करेंगे, और प्लून लाइन क्या है। हालांकि पिछली वीडियो मैंने बताया था प्लून लाइन क्या होती है। दरअसल जैसे मैंने बताया, जैसे मान लीजिए ये क्या है, हिमालय है, हिमालय के बाद में यहाँ पर क्या है, एक कल्याण नाम की जगह है, तो वहाँ पर प्लून लाइन दरअसल जैसे मान लीजिए जैसे आप क्या है? जैसे कोई कारीगर घर वगैरह बनाता है तो जैसे दीवार जब खड़ी करता है तो वहाँ पर देखे होंगे एक साहुल जिसको बोलते हैं लट्टू के जैसे होता है, उसको टांगते हैं और चेक करते हैं कि आखिर वो दीवार सीधी रेखा में है कि नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर जब बात की गई तो प्लून उसको ये साहुल बोलते हैं, तो उसी तरीके से प्लून, तो यहाँ पर इन्होंने जो कल्याण था उसके पास में इन्होंने लट्टू को नीचे यहाँ पर लटकाया और उन्होंने ये सीधी एक लाइन होनी चाहिए, लट्टू को इस तरीके से आना चाहिए था मतलब प्लून को, लेकिन वो सीधी रेखा ना होकर के कुछ इस तरफ जो हिमालय की तरफ पाँच ले लेते हैं, एवरेज में पाँच लेते हैं, तो 5 इंच जो थी वो हिमालय की तरफ खिसकी हुई थी, मतलब ये जो डिफरेंस था इस लाइन के बीच में वो 5 इंच का था। तो ये बात जब प्राट महोदय को पता चली तो उन्होंने अपना उसके ऊपर कॉन्सेप्ट दिया और हिमालय को एक बेसिक जो इसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से इन्होंने अंदाज़ा लगाया, और उन्होंने बताया कि आखिर हिमालय जब इतना बड़ा है तो इसका जो घनत्व भी ज़्यादा हो, मतलब कि घनत्व के हिसाब से देखें हिमालय बड़ा है तो उसको अपनी तरफ और खींचना चाहिए था, जो 5 का जो इंच का जो डिफरेंस था वो 15 होना चाहिए था, ये इन्होंने बताया कि 15 होना चाहिए था, लेकिन आखिर ऐसा क्यों नहीं है 15 इंच का डिफरेंस, जो प्लू लाइन इसको 15 इंच का अपनी तरफ और खींचना चाहिए था, तो आखिर ऐसा क्यों नहीं है कि हिमालय 5 ही इंच अपनी तरफ खींच पा रहा है 15 इंच नहीं खींच पा रहा है। बस यहीं पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा, देखते हैं आखिर क्या बताते हैं प्राट की संकल्पना। बस इसी के आधार पर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसके ऊपर कई सारी संकल्पनाएं आने लगी, बताने लगे लोग कि
जो हिमालय है वो खोखला है, हिमालय बुलबुले का बना हुआ है, हिमालय में कुछ नहीं है, इस तरीके से बातें होने लगी। लेकिन इसके ऊपर जो अपनी अपनी बातें वैज्ञानिक कहते रहे और अन्य वैज्ञानिक उसके जो कह सकते हैं ना उस अपना जो आलोचना करते रहे और उनको जो एक सिरे से उनको नकारते रहे, उसके ऊपर अपने तर्क भी प्रस्तुत करते रहे कि हिमालय का जो खोखला है तो आखिर इतना ऊंचा हिमालय संतुलन की अवस्था में कैसे, आदि आदि बातें। तो उसी को लेकर के आगे चल करके प्राट महोदय ने बताया कि जो हिमालय है उसमें इन्होंने बताया, इन्होंने इसके ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट यही दिया था कि जैसे घनत्व में क्या है, अंतर है, अर्थात हिमालय बना तो बहुत बड़ा है लेकिन उसके घनत्व में क्या है, घनत्व उसका कम है। अब इसको आप आसानी से समझें तो मैं इसको बता सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मार्केट में आप जाते हैं, मान लीजिए आप सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदने के लिए जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि 1 किलो का जो होता है ना वेट, जो आप 1 किलो का, 1 किलो का वेट एक तरफ तराजू पे एक तरफ रखते हैं और उसकी तरफ मान लीजिए आप कोई भी सब्जी लेने जाते हैं, टमाटर लेते हैं, आलू लेते हैं, जो भी लेते हो, तो मान लीजिए आप टमाटर लेते हैं तो 1 किलो तो इतना बड़ा आकार में होता है लेकिन टमाटर आपको इतना मिल जाता है 1 किलो में। तो अगर जो दोनों के आकार में अंतर देखें तो टमाटर का जो आकार मतलब कि उसका घनत्व है वो कम है लेकिन 1 किलो जो लोहा है उसका घनत्व जो है वो ज़्यादा है, लेकिन वो उस छोटे में ही उतने बराबर है और उधर 1 किलो उतने बराबर है। लेकिन अभी आलू लेंगे तो टमाटर से थोड़ा कम आएगा। मतलब कि कहने का मतलब यही है कि घनत्व में जो था वो अंतर था, यही ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो घनत्व है उनमें अंतर पाया जा रहा है और जो जो देखेंगे तो गहराई में अंतर नहीं है। आइए देखते हैं इसमें और इन्होंने और क्या बताया। अब इनको लेकर के अब इसमें जैसे मैंने टमाटर का और मैंने आलू का और किलो का मतलब जो मैंने लोहे का जो आपको अंतर बताया उसी के आधार पर समझ लीजिए कि इन्होंने डिवीजन किया कि जैसे जो इन्होंने क्या हुआ कॉलम बताया, स्तंभ बताया कि जैसे एक पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, इस तरीके से इन्होंने कॉलम बताया और कॉलम के आधार पर इन्होंने बताया कि पर्वत पठार जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया कि जो ज़्यादा बड़ा दिख रहा है उसका घनत्व उतना ही कम है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया था कि जो जितना ही बड़ा है उसका उतना ही घनत्व तो कम है, अर्थात जो हिमालय पर्वत आपको देखने को मिल रहा है उसका घनत्व तो कम है और उसका घनत्व तो जो है वो कम है। और उसके बाद हम देखेंगे तो पठार का उससे ज़्यादा है, मैदान का उससे भी ज़्यादा है, सागर तल पर और ज़्यादा है, अर्थात जो वस्तु जितनी बड़ी आपको दिख रही है उसकी जो डेंसिटी है उतना ही कम है, मतलब उसका भार सबके समान है। अगर जो बात करेंगे तो चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, वेट सबके बराबर है, अर्थात देखने में आपको वेट चाहे आप 1 किलो मतलब आप लोहा ले लीजिए 1 किलो वेट में और चाहे आप 1 किलो टमाटर ले लीजिए, वेट दोनों के समान है लेकिन वो देखने में छोटा लग रहा है और वो देखने में टमाटर बड़े लग रहे हैं। मतलब वेट के आधार पर 1 किलो टमाटर का जो आकार देखेंगे तो बड़े हो जाएंगे और जो किलो है वो छोटा आपको दिखता है। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही इन्होंने दिया था कि आपको जो देखने को मिल रहा है कि पर्वत जो ऊंचे हैं वो देखने में तो ऊंचे लग रहे हैं लेकिन उनका जो बड़ा जो उनका जो द्रव्यमान है या कहीं उनका जो भार है वो कम होता है, अर्थात एक तरीके से कह सकते हैं उनका जो द्रव्यमान है वो कम है। द्रव्यमान का कम का सेंस कह सकते हैं, द्रव्यमान कह सकते हैं उनका जो द्रव्यमान होता है वो मैदान के और पठारों के सबके बराबर होता है लेकिन जो उनका जो फैला दिया गया फैल गया है जो वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो जो फैला मतलब घनत्व में उनमें क्या होता है वो हमें कमी देखने को मिलती है, घनत्व क्या होता है कम होता है। अब जैसे मैंने बताया आपको कि 1 किलो और 1 किलो टमाटर वेट दोनों का समान है, देखने में जो अंतर आपको दिख रहा है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। जैसे अब इसमें बात करेंगे तो इन्होंने बताया कि जैसे पर्वत है, पर्वत का जो घनत्व होगा 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से हम ले करके चलेंगे कि इस तरीके का क्यूब का जैसा ले लीजिए, मतलब चारों तरफ से एक छोटा सा घन ले लीजिए, उसमें उसका जो वेट है वो तो करीब मान के चलिए कितना है 2.7 ग्राम, तो उसी के आधार पर बताते हैं। तो उसका घनत्व तो कितना था 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और उसके बाद में देखा पठार का 2.8, मैदान का 2.9, अर्थात जब और उसके बाद में देखेंगे तो जो सागर तल पर ले लीजिए तो उसका 3 मान लीजिए। तो मतलब कि पर्वत का घनत्व तो कम, उससे ज़्यादा पठार का, उससे ज़्यादा मैदान का, ये इन्होंने बताया कि जो ये घनत्व में अंतर है। और उसके नीचे इन्होंने बताया कि जो घनत्व में अंतर है उसके बाद में जो नीचे की तरफ देखेंगे जो आधा स्थल आपको देखने को मिल रहा है उसके नीचे जो एरिया है सब में ये क्या होते हैं कि गहराई में आपको समानता देखने को मिलती है, अर्थात चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, वो नीचे आधा स्तर पर लगभग सब समान होते हैं। इसको लेवल ऑफ कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति तल की बात इन्होंने की थी। क्षतिपूर्ति तल पर क्या होते हैं, ये समान होते हैं, अर्थात मान लीजिए जैसे पर्वत का वजन एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं तो 100 किलो है, तो मैदान भी 100 किलो है और पर्वत भी 100 किलो है, सभी 100 100 किलोग्राम के, मतलब इनका एक क्षतिपूर्ति तल पर इनका जो वजन है वेट है सबका बराबर होता है लेड, और चाहे वो इन्होंने पर्वत हो, पठार हो, मैदान सबका बराबर होता है। इसको लेकर के इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया और भी इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर इन्होंने जो बताया कि से इन्होंने
मरकरी में इन्होंने लेड, एंटीमनी, जिंक, आयरन इन सबको डुबोया और उसके आधार पर इन्होंने बताया कि जो लेड है, एंटीमनी, जिंक, आयरन, इनके घनत्व में अंतर है। और जो घनत्व में अंतर मतलब कि आपको एंटीमनी का घनत्व जो है आपको कम दिख रहा है, जिंक का ज़्यादा दिख रहा है, आयरन का और ज़्यादा दिख रहा है और लेड का और ज़्यादा दिख रहा है, मतलब कि जो ये है ये घनत्व में अंतर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जब अब देखेंगे तो एक जो इनका जो एक लेवल है क्षतिपूर्ति तल पर लगभग इनका एक लेवल सबका समान है, लेकिन घनत्व में अंतर है, वेट सबके समान है। मतलब कि वेट क्या है, चाहे बात करें लेड की, चाहे बात करें एंटीमनी, जिंक, मान लीजिए 5-5 किलो के सब लिए गए हैं तो वेट सबके समान है, लेकिन 5 किलो में आपको एक वेट के तौर में देखेंगे तो लोहा आपको इतना बड़ा दिखेगा, लेकिन 5 किलो टमाटर आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। तो वही बातें हैं, लेकिन आपको जो लेवल ऑफ कंपनसेशन की बात करेंगे क्षतिपूर्ति तल की, तो यहाँ पर आपको जितने भी लेवल हैं वो सब आपको समान दिखते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि इनके इनके नीचे भी आप बात करेंगे तो इनके घनत्व में, मतलब कि लेवल ऑफ कंपनसेशन के ऊपर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, घनत्व में आपको अंतर देखने को मिलता है। लेकिन याद रखिएगा, कॉलम में, कॉलम के घनत्व में अंतर नहीं होता है, एक कॉलम में, कॉलम में मतलब एक कॉलम में अंतर नहीं होगा, लेकिन अलग अलग कॉलमों में अलग अलग अंतर होता है। मतलब कि अगर जो बात की जाएगी तो पर्वत में, तो पर्वत से ऊपर से नीचे तक इसका घनत्व समान है, पठार का समान है, मैदान का समान है, लेड का समान है, अर्थात इनके बीच में घनत्व समान। लेकिन कॉलम में जैसे लेड से एंटीमनी में जाएंगे, एंटीमनी से जिंक, जिंक में आयरन, तो इनके बीच में घनत्व में, डेंसिटी में आपको अंतर देखने को मिलता है। तो ये लेवल ऑफ कंपनसेशन की बात इन्होंने क्षतिपूर्ति तल की बात की थी, अर्थात यहाँ पर देखेंगे तो इनके वेट जो होते हैं, वजन जो होगा इनका सबका समान होगा, इसी वजह से वो क्या होते हैं कि वो एक ऐसी स्थिति में रहते हैं कि मतलब जो भू संतुलन की स्थिति में ये सब रहते हैं। अब आइए बात करते हैं अवधारणा की, प्राट की संकल्पना क्या कहती है। तो प्राट की संकल्पना बेसिक तो बात यही थी, गहराई समान एवं घनत्व में अंतर, ये बात इन्होंने कही थी। अब आइए देखते हैं, इनका कहना था कि पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम होता है, अभी मैंने बताया, पठारों का मैदानों से कम तथा मैदानों का घनत्व समुद्र तल से कम होता है। उन्होंने बताया था कि ऊंचाई का घनत्व से उल्टा संबंध होता है, वो जितना ऊंचा होगा घनत्व उतना ही कम होगा, जो जितना ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, भी मैंने बताया। क्षतिपूर्ति तल के ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है, मैंने बताया जो क्षतिपूर्ति तल के ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है, लेकिन इसके नीचे जब आप देखेंगे तो ये पूरा जो मैग्मा है ये लगभग जो ये क्या है लेवल में होता है, इसमें अंतर नीचे लगभग है, क्षतिपूर्ति तल के बाद ये लगभग सब समान अवस्था में रहते हैं। तो याद रखिएगा, तथा नीचे समान घनत्व होता है, एक स्तंभ में घनत्व में अंतर नहीं होता, अभी मैंने बताया कि एक स्तंभ मतलब कि आप चाहे एंटीमनी लीजिए, जिंक लीजिए, आयरन लीजिए, लेड लीजिए, पर्वत पठार मैदान लीजिए, इनमें आपको जब एक कॉलम के रूप में देखेंगे तो इनमें आपको अंतर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब और इन्होंने बताया, वही मैंने बताया आपको कि समान गहराई समान एवं घनत्व में अंतर इन्होंने बताया था, लेकिन इनका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समर्थन नहीं करता है, उसका सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा उसकी भी हम बात करते हैं। जैसे इन्होंने अभी मैंने आपको बताया कि दरअसल ये पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये एक नेचुरल वे में आप देखें तो इनमें पर्वत से निकलने वाली नदी पठार जाती है, पठार से मैदान, धीरे धीरे पर्वत का क्या होता है, क्षरण होता जाता है, और जो अब नदियाँ अपने अवसाद ला करके पठार मैदान होते हुए जो उसका जो डेल्टाई क्षेत्र होता है वहाँ पर जमा कर देती हैं। तो यहाँ पर भू असंतुलन की स्थिति पैदा होती है, भू असंतुलन मतलब पर्वत से पठार, पठार से मैदान, मैदान से जो यहाँ पर जो आप देखेंगे ये यहाँ पर जब इकट्ठा हो जाएगा जो इस वाले हिस्से पर, मतलब कि जो इसका जो डेल्टा होगा, डेल्टा होगा वहाँ पर जब इकट्ठा हो जाएगा तो डेल्टा का वजन क्या होगा, भारी हो जाएगा, डेल्टा भारी होगा तो, और पर्वत का जो यहाँ से जो क्षरण हो रहा है धीरे धीरे, पर्वत क्या हो रहा है वो कम होता चला जाएगा, मतलब पर्वत का वेट कम होगा, डेल्टा भारी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से काट काट कर मिट्टी ले जा करके यहाँ चले जाइए तो क्या होगा कि पर्वत का वजन कम, डेल्टा का वजन जो है वो ज़्यादा, मतलब भू असंतुलन की स्थिति बनेगी। भू असंतुलन की स्थिति बनने की वजह से क्या होगा, यहाँ से मैग्मा जो है कॉलम वाइज, इन्होंने बताया कि कॉलम वाइज मैग्मा मैदान में, मैदान से पठार में, पठार से पर्वत की तरफ मैग्मा जो है वो दोबारा आएगा और पर्वत फिर ऊपर उठता चला जाएगा, मैदान और ऊपर, मैदान उठेगा, मैदान से पठार उठेगा, पठार से पर्वत उठता चला जाएगा। मतलब इन्होंने बताया कि जो यहाँ पर जो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ऊर्ध्वाधर क्रम में बताया कि जो मैग्मा होता है वो ऊर्ध्वाधर क्रम में एक एक कॉलम वाइज चलता जाता है। तो यही इसका जो कह सकते हैं आलोचना इसी बात पे होती है कि इन्होंने जो कॉलम वाइज बताया कि मैग्मा इस तरफ आएगा और पर्वत धीरे धीरे फिर उतने ऊपर उठ जाएगा, लेकिन बात तो सही कि पर्वत उठेगा, लेकिन ये जो ऊर्ध्वाधर बताया बस यही इन्होंने गलती कर दी, ऊर्ध्वाधर यहीं पर गलत है, क्योंकि जो मैग्मा चलता है ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को क्यों नहीं बताता है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर ये सिर्फ लावा के चलने की बात करें, प्लेटों के संचलन की बात कर नहीं रहे, प्लेटों के संचलन के आधार पर हम देखेंगे ये पूरी प्लेट ही प्लेट इसके नीचे आ जाएगी और यहाँ से ये जब नीचे आने की वजह से ये ऊपर उठ जाएगा, ये मेन कॉन्सेप्ट इसी पर आधारित। एरी इस बात की बात करते हैं लेकिन प्राट इसकी बात नहीं करेंगे।
तो बेसिक अंतर यही है आपको जानना है प्रॉट और एरी में। एरी क्या कहते हैं कि घनत्व, जो एरी में क्या घनत्व समान, गहराई में अंतर, और जो प्रॉट कहते हैं घनत्व में अंतर, गहराई समान। बस यही आपको जानना है, परीक्षा में इससे रिलेटेड लिख दीजिएगा, जो प्रश्न आया आप उसी हिसाब से हैंडल कर लीजिएगा। और मूल्यांकन मैंने वही बताया कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है, 1855 के आसपास इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये हो गई 59 में दिया था, 1859 में अपना ये प्रॉट की संकल्पना आती, तो इन्होंने अपना सिद्धांत उसमें दिया था। प्लूम लाइन वगैरह मैंने आपको बता दिया है, बाकी अब प्रॉट की संकल्पना आप याद रखेगा, बाकी की थ्योरी सब वही है, इसमें और कुछ खास इसमें है नहीं लगभग मैंने बताया। हालांकि इसके आगे चल करके डेली होम्स हो, बहुत सारे लोगों ने अपनी संकल्पना दी, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट यही है जो इसमें आते हैं प्रश्न, बाकी सब मिलजुल के बात वही कहेंगे, तो मैं उसको इसमें बता नहीं रहा हूँ। आगे चल करके जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक होगा वो हम बात करेंगे अपक्षय और अपर्दन को लेकर के, अपक्षय अपर्दन की बात करेंगे कि आखिर अपक्षय और अपर्दन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी टॉपिक पर होगी, उसको हम बहुत अच्छे से आपको डीप स्टडी करके बताएंगे, डीप स्टडी बताएंगे आपको कि मतलब आप देखेंगे कि आखिर अपक्षय अपर्दन की, जो मैंने इसे पहले, हालांकि मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर मैंने आपको अपक्षय अपर्दन बताया था, अंतर्जात बहिर्जात बल वगैरह बताया था, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम आपको नई नई आपको थ्योरी वगैरह बताएंगे, नई नई बातें आपको बताएंगे, तो उन सब का हम जिक्र करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।